सफल फाउंडेशन की जानिब से बड़ा इकदाम अमल में लाया गया। टेस्ट पे यहाँ पर अच्छे खासे पैसे सर्फ होते हैं और ये फ्री कर रही है। तमाम बार के मेंबर्स की स्क्रीनिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बड़े थोड़े से पैसों में बड़े थोड़े से परहेज से इलाज हो सकता है। तमाम बुकला के स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है जिसमें हमारा आई का भी टेस्ट हो रहा है। तमाम वुका के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये ब्लड अरेंज करवाया ब्लड कैंप, इसमें इनकी स्क्रीनिंग होगी, वुकला ब्लड डोनेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईडीए न्यूज़, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शोकत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईडीए न्यूज़ लाता है आपके लिए नए खूबसूरत और मुनफरिद प्रोग्राम्स, नई शख्सियत के साथ, नए अंदाज़ के साथ। आज सियालकोट बार में मैं मौजूद हूं। यहां जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मुख्तलिफ एनजीओ सियालकोट की मिलकर आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देती है। आज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बड़ा इकदाम अमल में लाया गया। यहाँ वकला मेम्बरान के लिए एक बड़ा इकदाम अमल में लाया गया, इनकी सेफ्टी के लिए इस सार वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ब्लड ग्रुप जो है वो सबके लिए जा रहे हैं। इंसानियत की तरक्की के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए ये जो अहम इकदाम है ये बहुत अच्छा इकदाम है इनकी जानिब से। ये बहुत अच्छा है जी, अल खिदमत फाउंडेशन जो है ये इनका बहुत बड़ा एहसान है बार पर भी हम पर भी कि ये यहाँ पर आए हैं और ये फ्री इन्होंने ये टेस्टिंग कैंप लगाया यहाँ पर। हम भी आवाम है ना, हम भी आवाम है, लेकिन ना ये लोगों को अवेयरनेस पैदा होगी, लोगों के अंदर ये पता होगा कि ये भी ज़िंदगी में ये मामला भी बंदे को करने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है इनका, मैं समझता हूँ बड़ा काबिल तारीफ़ है ये का है कि यहाँ पर ये फ्री कैंप हर टेस्ट पे यहाँ पर अच्छे खासे पैसे सर्फ होते हैं और ये फ्री कर रही हैं। इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं। अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो राशन तकसीम करती है, लोगों को ब्लड के हवाले से स्क्रीनिंग करती है। जो सबसे बड़ी बात है इनकी कि लोगों को जो बेचारे बेआसरा होते हैं उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इनके जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर ब्लड देने के लिए मौजूद होते हैं। आज भी इनका कैंप लगा हुआ है जिसमें लोग ब्लड दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। इस और वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक बड़ा इहतमाम सर अंजाम दी गई, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो बार की इंतजामिया थी, सदर साहब थे और सेक्रेटरी साहब थे, इनकी एक बड़ी अच्छी काविश है और एक ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कास्ट एक इतनी अच्छी बड़ी एक अच्छा स्टेप है जो तमाम बार के मेंबर्स की स्क्रीनिंग हो रही है। मैं समझता हूँ इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एमओयू साइन करने से वो क्लब रात्रि को क्या फ़ायदा होगा? डेफिनेटली उनको बड़े थोड़े से पैसों में और इकोनॉमिकल रेट के ऊपर ये सारी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल होंगी। आपके दौर इकदार में अब तक वो क्लब रात्रि के लिए क्या खिदमत? मेरा तो खिदमत तो बहुत अच्छी, हमारा अच्छी कोऑर्डिनेशन है सदर साहब से, सेक्रेटरी साहब से, तमाम वकला से, और यही अच्छी कोऑर्डिनेशन ही हमारी सबसे अच्छी चीज़ होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस आर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से और भी शख्सियत मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं इस आर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जो खिदमात सर अंजाम दी गई हैं इसके हवाले से हम आगाही इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड स्क्रीनिंग कैंप जो अमल में लाया गया है इसका बड़ा इकदाम क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यह है कि जो बंदे को आखिर में जाके बीमारी का पता चलता है कि मुझे क्या कुछ है, मेरे अंदर क्या पल रहा है बीमारियों की सूरत में, वो अगर इनिशियल स्टेज पे पता चल जाए तो बड़े थोड़े से पैसों में बड़े थोड़े से परहेज से इलाज हो सकता है। और अगर इंसान को पता ही ना चले और वो मौत के करीब पहुंच जाए तो इससे बड़ा हादसा इंसान की ज़िंदगी में क्या हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान को इनिशियल स्टेज पे पता चल जाता है, और मैं कहता हूँ पूरी कौम को अपनी ब्लड स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा सेहत से? मैं कहता हूँ मैम, सेहत से बड़ा फ़ायदा इंसान का, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से सेहत सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, ओहदे हैं और बड़ा नाम है, तो
तो आप उसको क्या करेंगे जब आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, पहन नहीं सकते। सेहत सबसे बड़ा अल्लाह की बड़ी नेमत है, हाँ जी, सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ये जो बड़ा इकदाम अमल में लाया गया है इसार वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से, ये माशाल्लाह मैं भी इसार वेलफेयर फाउंडेशन का हिस्सा हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ और कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। और मेरे सदर साहब सदीक हैदर साहब ने ये बार के हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद करने के लिए कहा, तो मैंने सदर और साकी साहब से बात की और उनसे डायलॉग के बाद ये आज ये खूबसूरत महफिल आपके सामने है और इसमें बहुत मुनासिब रेट जो कास्ट टू कास्ट है उस पर ये तमाम वकला के स्क्रीनिंग कैंप हो रहा है जिसमें हमारा आई का भी टेस्ट हो रहा है। इंशाल्लाह ये फ़ायदा देगा और हमारी कोशिश है कि ये साल के साल इस प्रोग्राम का इनकाद इसार वेलफेयर ब्लड बैंक के हवाले से ये इनकाद किया जाए और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वकला जो है ना वो ब्लड भी डोनेट करें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इनकी जानिब से एक बड़ा इकदाम अमल में लाया गया है सर सदीक हैदर, जो कि हर वक्त अपनी ही खिदमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए सर अंजाम देते हैं। आज इस कैंप के हवाले से हम इनसे जानेंगे इनकी राय और पूछेंगे कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए ये जो कैंप है ये क्या किरदार अदा करेगा। वालेकुम अस्सलाम। ईडीएन न्यूज़ को सलाम है कि हर अच्छे मौके के ऊपर ये सबसे पहले हमारे पास आते हैं और हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचाते हैं। ये आज का जो ब्लड कैंप है इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम आवाम सालाना अपनी स्क्रीनिंग जो भूल जाते हैं, इसकी वजह से जो मसले मसाइल हैं वो बहुत देर से जाके पता लगते हैं जब नाकाबिले इलाज हो चुके होते हैं। तो आज जो सदर बार है उनका हसूसी शुक्रिया कि उन्होंने तमाम वुका के लिए फ्री ऑफ कास्ट ये ब्लड अरेंज करवाया ब्लड कैंप। इसमें इनकी स्क्रीनिंग होगी, वुकला ब्लड डोनेट करेंगे और इनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी कि खुदा ना हादसा किसी के अंदर कोई मसला मसाइल पैदा हो चुका है तो उसको वो भी पता लग जाएगा। मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि अपना जो ब्लड स्क्रीनिंग साल में एक दफ़ा लाजमी करवाया करें। अगर आप हमारे पास करवाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट ये सहूलत आपके लिए अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईडीएन न्यूज़ लाता है आपके लिए नए खूबसूरत और मुनफरिद प्रोग्राम्स नई शख्सियत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट बार, यहाँ वकला के लिए एक बड़ी खिदमत सर अंजाम दी गई एसआर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ एनजीओ सियालकोट की इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, इंसानियत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देती है। दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त एनजीओ मिल के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो है वो कोशिश रहती है। आज ये जो बड़ा इकदाम बड़ा कैंप अमल में लाया गया वकला मेंबरान के लिए बड़ी सेफ्टी का बायस है कि यहाँ ब्लड डोनेशन एरिया कायम किया गया और इसार वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ब्लड बैंक का क्याम अमल में लाया गया। सियालकोट बार के सदर मौजूद थे, उनका कहना था कि ये जो इसार वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इकदाम अमल में लाया गया है इससे ना सिर्फ वकला को, वकला के मेंबरान को, बल्कि सबको जो है इंसान तमाम लोगों को जो है बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ऐसे ही आगाह करते जाएंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद प्रोग्राम्स के लिए हमारी वेबसाइट www.ednpk.tv विजिट कीजिए। हर खबर से रहें बाहबर, देखते रहें ईडीएन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।